सटीक जानकारी के लिए दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आपके अपने चैनल दैनिक जागृति पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सेम की फसल के प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम कैसे करें, ताकि सेम की फसल से अच्छा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सके। किसान भाइयों, सेम की फसल दलहनी और फलियों वाली सब्जियों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस फसल की अन्य उन्नत कृषि क्रियाओं के साथ साथ रोग रोकथाम भी आवश्यक है। इस फसल को हानि पहुंचाने वाले अनेक रोग हैं, लेकिन फसल में आर्थिक स्तर से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख रोगों की पहचान और उसके नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर रोट रोग की। इस रोग का प्रारंभिक लक्षण पौधों पर पड़ता है, जमीन की सतह से प्रारंभ होता है और संपूर्ण छाल सड़न से ढक जाती है, जिससे संक्रमित भाग पर सफेद फफूंद वृद्धि हो जाती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनकर धीरे धीरे स्क्लेरोटेनिया में बदल जाती है। इस रोग के जीवाणु मिट्टी में जीवित रहते हैं और उपयुक्त वातावरण मिलने पर पुनः सक्रिय हो जाते हैं। नियंत्रण के उपाय इस प्रकार है। बीजों का उपचार बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। बुआई के 20 दिन उपरांत ट्राइकोडर्मा के घोल 6 यानी कि 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर जड़ों को तर करना चाहिए। त्वरित रोग नियंत्रण के लिए संध्या के समय जड़ के समीप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से जड़ों को तर किसान भाइयों को करना चाहिए। अगला रोग है रस्ट या फफूंद जनित रोग है, जो पौधों के ऊपरी भाग पर छोटे छोटे हल्के उभरे हुए धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तने पर साधारणतः लंबे उभरे हुए धब्बे बनते हैं। नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। खेत में औसतन 2 धब्बे प्रति पत्तियों के दिखने पर फफूंद नाशक जैसे फलुसिलाजोल या फिर एक्साकोनोजल या फिर विट्रटेनाल या फिर ट्राईआईडीमेफान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का 5 से 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तना सड़न यह रोग सब्जी फसलों में स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियोरम द्वारा होता है। इसका प्रकोप शरद काल में सब्जी फसलों के पुष्पन अवस्था में ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण संक्रमित पौधों के तनों में सफेद कवकीय तंतु वृद्धि के साथ साथ काले रंग के सकेले रोशिया के रूप में दिखाई देते हैं। नियंत्रण के उपाय इस प्रकार है। संक्रमित पौध अवशेषों को हटाने के बाद फसल की पुष्पन अवस्था में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के बाद मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का पर्णीय छिड़काव रोग प्रबंधन के लिए प्रभावी पाया गया है। अगला रोग है विषाणु रोग, जिसको गोल्डन मोजेक भी बोलते हैं। यह विषाणु रोग वाहक कीट सफेद मक्खी बेमिसिया टेबाकाई द्वारा स्थानांतरित होता है। इस रोग से संक्रमित पौधों की पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। इमीडा क्लोरोपीड 70 WS पाउडर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, थायोमेथोक जाम 70 WS का 2.5 से 3.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधन करना चाहिए। नीम का तेल 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव सायंकाल में करना चाहिए। खेत के चारों तरफ मक्का ज्वार बाजरा लगाना चाहिए, जिससे सफेद मक्खी का प्रकोप फसल में न हो सके। इमीडा क्लोरोपीड 200 SL का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल से पौधों की जड़ को आधा घंटा तक उपचारित कर लगाने से अगले 30 से 35 दिन तक इसे मक्खी के नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इमीडा क्लोरोपीड 200 SL का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर या फिर डाइमोथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। अगला है बैक्टीरियल ब्लाइट। यह जीवाणु जनित रोग है, जिससे संक्रमित ऊतक पीले पड़ जाते हैं और मरने के उपरांत विभिन्न आकार एवं नाप के उबार धब्बे बनाते हैं, जो बाद में यानी वर्षा ऋतु में बड़े धब्बे के समान लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में फलियों पर भी छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण के उपाय इस प्रकार है। बुआई के पूर्व बीजों को सेप्ट्रोसाइक्लिन घोल 100 PPM की दर से 30 मिनट के लिए डुबोने के उपरांत बुआई करें। साफ रोग मुक्त और
अवरोध बीजों का प्रयोग यानी किस्मों का किसान भाइयों को करना चाहिए। अगला है एंथेक्नोज, सेम की फसल में यह रोग कैलेटोट्राइकम लिंडेमुथिनियम द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण तनु और फलियों में लाल रंग के गोल गोल धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। रोकथाम यानी नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर छिड़काव भी किसान भाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाई अपनी सेम की फसल को रोगों से बचा सकते हैं और अपनी फसल से गुणवत्ता युक्त और अधिकतम उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कृषि और सेम की फसल की अन्य जानकारियों के लिए आप दैनिक जागृति चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट dainikjagriti.com पर आकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आपने दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर कृषि बागवानी और पशुपालन से संबंधित वीडियो उपलब्ध होते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।